आज रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। साहित्य जगत के साथ ही देश की आजादी के आंदोलन में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर का आज 160वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर का नैनीताल से खास नाता है। रामगढ़ की वादियों में रचे साहित्य ने गुरुदेव को दिलवाया था नोबेल पुरस्कार। अधूरा रह गया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी का सपना। गीतांजलि के कुछ अंश रामगढ़ नैनीताल की सुरम्य वादियों में रचे थे। विश्व विख्यात कवि और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। जिस गीतांजलि रचना के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, गुरुदेव ने उसके कुछ अंश रामगढ़ नैनीताल की सुरम्य वादी में लिखे थे। 7 मई 1861 को कोलकाता में जन्मे रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 में पहली बार रामगढ़ पहुंचे थे। अपनी पहली रामगढ़ यात्रा के दौरान ही गुरुदेव ने गीतांजलि के कुछ अहम अंश लिखे। यहाँ की मनोरम छटा से अभिभूत हुए तो 40 एकड़ जमीन खरीद ली। जगह को नाम दिया हेमंती गार्डन। बाद में यह स्थान टैगोर टॉप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गीतांजलि की रचना के लिए 1913 में टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उत्तराखंड से बेहद आत्मीय लगाव रखने वाले टैगोर ने 7 अगस्त 1941 को संसार से विदा ले ली थी। अल्मोड़ा में टैगोर जिस भवन में रुके थे उसे टैगोर भवन के नाम से भी जाना जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाता था उत्तराखंड से, बहुत करीबी नाता था, और गीतांजलि के कुछ अंश उन्होंने यही उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों नैनीताल में उन्होंने लिखा था। परवीन अर्शी, राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क के लिए।